This is your host Vidushi. Morum Adventures is a 25 plus. धड़कन बढ़ रही है, मेरे एग्जाम होने वाले एग्जाम. रूबी गो रोवर, जाओ आ जाओ जाओ उधर जाओ. उधर बुला रहे हैं. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3. चकला विलेन. Hello adventure lovers and welcome to a brand new episode of The Man Behind the Making. This is your host Vidushi. If you're new here, Morum Adventures is a 25 plus year old company that rents and builds all thing home on wheels and more. चाहे वो एक इलेक्शन कैंपेन व्हीकल हो, एक फूड ट्रक हो, एक क्लब ऑन व्हील्स हो या एक कैरावान हो, और उन्हीं कस्टमाइजेशंस को हम फीचर करते हैं ऑन आवर चैनल थ्रू डिफरेंट सीरीज. कुछ कस्टमाइजेशंस ऐसे होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, सो वी फीचर दोज कस्टमाइजेशंस विद योर क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड बाय द मैन बिहाइंड द मेकिंग. सो ऑन दैट नोट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय ओल्ड मैन, The man behind the making of Motorhome Adventures. Hi everyone. Hi Vidhu. So it's been a long time since Yes. you've been on screen. Uh-huh. And we have had a lot of customizations, a lot of hectic routine. जिसकी वजह से, if you cannot tell, अभी हम shoot कर रहे हैं in the headquarters. This asset is here, जो आपको नहीं दिख रहा है set के पीछे, are many other assets. Which will soon be launching. और इस वीडियो में no more teasers, no more accidental sharing, okay? Okay. Okay. So we are going to begin with the questions. You know the drill. आप questions answer करेंगे जो हमें Vagabond series के लिए receive हुए हैं. So are you ready? Okay. So हमारी जो प्रथा है उसे maintain करते हुए. Cheers. Cheers. All right. So here I have the questions. First question है हमारे पास. Again, this is a curiosity question कि ये जो inspiration है of building the asset and having the slide in वाला concept और 4x4 पे जो concept लाए हैं, इसका inspiration आपको कहाँ से आया? See, पहले भी हमने गाड़ियाँ बनाई हैं. Bolero बनाई, न्यूक बनाई, और क्योंकि ये स्पेशली दिस सेगमेंट, ये ओवरसीज़ काफ़ी हम लोगों ने देखा है पिकअप ट्रक पे, एंड देयर इट इज़ क्वाइट कॉमन. तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था इंडियन मार्केट के लिए, वेर एज़ एक नॉर्मल गाड़ी के साथ ट्रैवल करना, एंड वेर एज़ पीपल डू हैव this kind of a vehicles available and लोगों ने opt भी करी हुई है. इनफैक्ट मेरे पास भी ये है. तो मेरा काफ़ी पुराना ये ड्रीम था कि मैं कुछ नया हम लोग जो हैं 4x4 सेगमेंट में लेके आए हैं, जो कि कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस होती हैं जहाँ ऑफ बीट लोकेशंस पे यू कॉन्ट गो विद दी सेडान और जो दूसरी नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, हैचबैक हैं, उसके साथ नहीं जा सकते. एंड फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे बड़ा होता है, या कुछ गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव में भी आती हैं, बट फोर व्हील ड्राइव के अंदर में तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि यू हैव एन एक्स्ट्रा पावर ऑन दैट. वी कैन ट्रैवल टू ऑफ रोड्स एज वेल, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन दी टेरेन एंड ऑफ कोर्स हाउ गुड यू आर इन ड्राइविंग. एक्सपर्ट ड्राइवर कैन इवन ड्राइव एन नॉन 4x4 ड्राइवर व्हीकल, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर प्रॉब्ली यू विल एंड अप ब्रेकिंग अप दी. एक हमारे को एक एपिसोड में याद भी होगा कि एक हमारे क्लाइंट ने जो था 4x4 सेगमेंट का शॉफ्ट ही हमारी गायब कर दी थी. एनीवे, तो एक क्लाइंट का हमारा उसी ड्यूरेशन में, जब ये अभी लॉकडाउन हुआ, तो ऑलरेडी ये कैंपिंग सीजन कैंपिंग से रिलेटेड और कैरावन से रिलेटेड बूम कर ही रहा था, उसी टाइम में एक क्लाइंट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आया दैट ही वांटेड टू गेट हिज व्हीकल कन्वर्टेड इनटू अ कैरावन, बट पिकअप कैरावन, एंड इट्स हिज कैरावन ओनली.
हमारे जो क्लाइंट हैं, एंड आई नो हिम सिंस ऑलमोस्ट 8 years. हमारा बैक एंड फोर्थ काफ़ी चलता रहा, तो फाइनली टुक अ डिसीजन इन 2020. ही बॉट दिस व्हीकल, ब्रांड न्यू व्हीकल, इसुजू डी मैक्स वी क्रॉस 4-wheel drive. सो अब लास्ट ईयर जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि दैट वील गो विद दिस कॉन्सेप्ट, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं. तो राइट टाइम पे दो चीज़ें मिंगल करी और मेरे अपने विट्स थे जिसको मैं खुद चाहता था कि कुछ ऐसा मिले जो अपॉर्चुनिटी, और इधर क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट आया है, तो दोनों चीज़ों को मर्ज करते हुए वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ अ पॉपटॉप कैंपर, स्लाइड इन पॉपटॉप कैंपर. आई मीन इट वॉज कोइंसिडेंटली ऑन द सेम टाइम, राइट? हमने भी उस टाइम एसेट परचेज किया एंड ही एट द सेम टाइम अप्रोच यू परचेज द एसेट. नो, वी बॉट इन 2019 अप्रैल. Yes, so you already had that in mind, yes. And फिर हमने, because like he said कि we have a requirement, so we created that like accordingly. Yeah. Okay, so the next question that we have today is कि इस conversion का सबसे challenging part क्या था? That is one part of the question, and सबसे fun part क्या था? Challenging and fun, दो चीज़ें हैं जो इस गाड़ी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जब हमने इसका जो रूफ थी उसको रेज करना चाहा. दो देर आर 3-4 ways टू लिफ्ट द रूफ. वन इज मैनुअल. मैनुअल में आपके पास लाइटर होना चाहिए, बट वेट इसका इस वजह से है कि बिकॉज ऊपर में हमारे पास सोलर पैनल है एंड मोर ओवर वी हैव अ कैसेड एसी ऑन टॉप, एंड द जेंटलमैन ही इज ऑलमोस्ट 65 65 years old. तो उन सब चीज़ों को लेके ही वॉन्टेड टू हैव अन अ कम्फर्ट जोन कि पुश ओवर बटन ये सब चीज़ें होनी चाहिए. वी डिड ट्राई ऑन द लीनियर एक्चुएटर्स, एंड लीनियर एक्चुएटर्स आर ऑफकोर्स नो, देर इज़ नो डाउट अबाउट कि लीनियर एक्चुएटर्स भी जो हैं एक मेजर रोल प्ले करते हैं पॉपअप के लिए. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वी ट्राई एंड यूज़ द हाइड्रोलिक्स इन दिस. तो हाइड्रोलिक्स में हमारे को चैलेंज आया काफ़ी, एंड ऑलमोस्ट 4 times वी फेल्ड इन इट. ऑन एन 5th attempt वी फाइनली गॉट थ्रू. सो आई वुड रेदर से कि 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से उसने मेरे को और करीब ला दिया उस सक्सेस की तरफ जिसकी हम जो है पिछले 6 महीने से हम जो है उसकी कोशिश कर रहे थे. That's what I said during the walk through, कि हमने 4 ways find करी to get closer. So challenge था, fun part भी था. I would always say keep on trying, don't even you know think of कि नहीं हो पाएगा. Try, one day definitely you will succeed. And same thing what we did, my team, especially my, I'm really thankful to my entire team. They really worked hard on making this vehicle happen. Aur aaj hum hain India's first pop-top or a pop-up camper, which is again ideal for 4 adults with a kitchen and a washroom area. And it's fully functional. Fully functional. Name, it's like sirf naam ke liye caravan nahi hai, it's a fully functional asset. Actually. So you're saying that the most challenging part was the pop top, ki usko kis tarike se weight manage karte hue usko kare. That is the most challenging, and which is the most fun part? Fun part, cheeze tooti, fir unko banaya. To at times टीम ने ही सजेस्ट करा कि सर लेट्स बाईपास दिस, हम उसको कंधे से उठाने का करते हैं कि जो अब्रॉड करते हैं. और मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखे हैं, आई कीप ऑन फॉलोइंग सम ऑफ दी यू नो फॉरेन वीडियोस एंड ऑल, बट दैट आल्सो अगेन इट गिव्स यू एन इंस्पिरेशन और यू लर्न एवरी टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. तो इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज़ बॉर्न विद दी टीथ और आप एक बार में च्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं है. यू हैव टू ट्राई, आई वुड से ट्राई एंड डेफिनेटली वन डे यू विल सक्सीड इन
what do you want to achieve in. तो चीज़ें हैं, कई बार टाइम ले जाती हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगा हमें. बट अगेन लाइक ऑन दिस कन्वर्जन हमने शायद 2 years स्पेंड करे हैं ऑन रिसर्च, राइट? बट ऑन वॉशरूम कन्वर्जन वी हैव स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड आई हैव नेवर सीन यू गिव अप. यू वर ऑलवेज देयर कि कुछ नया देखते हैं, कुछ नया कैसे करें. सो आई थिंक दिस वुड हैव बीन फन फॉर यू, राइट? वॉशरूम इज अगेन इट कम्स विद द आइडिया. एक्चुअली हर बार होता क्या था कि हम लोग वॉशरूम्स बनाते थे, इट स्टार्ट गिविंग यू अ बैड ऑडोर और स्मेल आती थी. इवन वी हैव यूज द इम्पोर्टेड टॉयलेट्स एंड ऑल, उसमें भी दिक्कत आती थी. तो फाइनली वी टुक दिस एज एन अ चैलेंज कि हमें इंडियन स्टैंडर्ड्स और उसके हिसाब से हमें यूज़ करना है, बिकॉज हम खाते ज़्यादा हैं. तो यस, इसमें चैलेंज था, चैलेंजेस काफ़ी आए उसमें, बट यस एंजॉय किया हमने इसको. ओके, सो अगेन हिज डेफिनेशन ऑफ फन इज व्हेन ही हैज समथिंग दैट्स चैलेंजिंग. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, चैलेंजिंग बट अगेन आउट ऑफ द वे, जो एक लीड से हटके हैं. व्हाट अदर्स आर डूइंग वी डोंट फॉलो ऑन दैट रूल्स. वी प्रेफर कि हम लोग कुछ अपना कुछ नया करके दिखाएं, जो कि दूसरों ने कभी अभी तक नहीं किया है. कॉपी है, ठीक है, मार्केट में है लोग और करते हैं, और ऑब्वियस है कि आने वाले टाइम में ये भी आएंगे. अभी तक जो मैंने देखे हैं लोगों ने बनाए हैं, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बट उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जो होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करते. एंड पीपल ट्राई एंड कट कॉर्नर्स ऑन प्रोवाइडिंग दोज डिटेल्स एंड ऑल. इट्स बेसिकली चीटिंग विद योर प्रोडक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने इस एसेट में सेल्फ ड्रिवन रेंटल लॉन्च किया है और हमने बड़े एसेट्स में सेल्फ ड्रिवन रेंटल लॉन्च नहीं किया, तो उसका क्या पर्टिकुलर रीजन है? देयर टू रीजंस. वन इज एज अ लेमन, अगर तुम लेके चलो इसको, तो छोटी गाड़ी को चला पाना ठीक है, आसान है, सेडान या हैचबैक जो भी है. और अब जो इंडियन मार्केट है उसका स्टैंडर्ड्स जो है ना वो चेंज हो गए. पहले आई एम टॉकिंग वे बैक 40 इयर्स बैक, हमारे पास फीएट और एम्बेसडर होती थी. इन द नेम ऑफ फोर व्हील ड्राइव वी हैड जीप, आर्मी की जीप होती थी, उसको कन्वर्ट कर लिया, या आर्मी का कोई ट्रक होता था उसको करना. पहले पावर नहीं होती थी, नाउ पीपल आर क्रेजी अबाउट पावर. दिस इज एन एग्जाम्पल. इंडिया के अंदर मार्केट है, दैट इज़ द रीज़न Isuzu and now recently the Hilux also come up, Toyota Hilux has also come up. So it's not that ki cheeze jo hai market mein aaye na chale chalti hain, but at the same time logo ki requirement thi. Aur mera bhi apna ek past experience hai ki agar aapke paas kuch samaan hai wo jab tak aap usko showcase nahi karenge, jab tak dikhega nahi wo bikega nahi. तो एज इन द केस ऑफ दिस Isuzu DMX V-Cross, एंड दैट वॉज द रीज़न कि आई वेंट विद द सेम व्हीकल. एंड आई इनफैक्ट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द अनसीन एरियाज, जो एक ट्रैकर के लिए आसान है, या ऑर्बिट लोकेशन पे आप नॉर्मल गाड़ी के साथ नहीं जा सकते, बट यू हैव अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि आप 3 दिन में या 4 दिन में जो है जस्ट डैश करके आना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू गो ऑन टू एक्सप्लोर द रीज़न, बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव अ सोर्स. इधर यू गो बाय अ बाइक, बट अगेन बाइक हैज़ इज ओन चैलेंजेस, इट कांट ब्रिंग यू ऑन द कंप्लीट होम ऑन व्हील्स. सो एक सेगमेंट जो है एक हमने सेट किया है, रेस्ट इज अप टू द ऑडियंस एंड द मार्केट, वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन दे गिव ऑन दिस. स्पेशली दिस सेगमेंट जो है अपना Isuzu का, और या एनी ऑफ द पिकअप ट्रक्स, आई मीन यू हैव मैनी मोर ऑप्शंस. बलेरो भी आ रहा है, योद्धा भी 4x4 में आ रही है, जेनॉन है, देन Isuzu एंड देन Hilux इज ऑल्सो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. छोटे सेगमेंट में है क्या कि लोगों के पास आज अप्रोच है एंड पीपल हैव देयर ओन पिकअप ट्रक्स. बट एट द सेम टाइम अगर कोई ये चाहता है कि मेरे को
एक अपनी गाड़ी पे आप हम मेरे को अपना घर किराए पे दे दें। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो रेंटल का अभी लेके आए हैं रिसेंटली, वो ये है कि आपका एग्जिस्टिंग व्हीकल पे आप हमारा ये घर अपनी गाड़ी पे माउंट करें, एंड इट टेक्स यूजली 1 day टू फिक्स इट, एंड लेटर ऑन जो है आपको कभी जो है उस चीज़ की इशू नहीं आएगा, आई मीन एज एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज़ इट। और इसको ले जाके आप अपना एक जो एक्सपीरियंस अपना है बिफोर यू नो गेटिंग इन टू बाइंग योर ओन पर्सनल पॉप अप, सो यू कैन गो फॉर अ रेंटल सेक्शन ऑफ आवर्स। और इसके चैलेंजेस इतने नहीं हैं जितना एक बड़ी गाड़ी को ले जाने के लिए होता है। हैसल ज़्यादा होता है बड़ी गाड़ी को ले जाने में, और यू नो ट्रैफिक एंड अदर थिंग्स। नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू। एडवांटेज ये है कि व्हेन यू आर यूजिंग, एज मैं अपने डेली कम्यूट के लिए मैंने Isuzu जो है मैं ऑन डेली बेसिस आई कम्यूट फ्रॉम होम टू फैक्ट्री एंड फैक्ट्री टू होम, तो आई फील मोर कम्फर्टेबल ड्राइविंग अ फोर व्हील ड्राइव व्हीकल, जबकि वैसे फोर व्हील की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। और उस चीज़ का ये एडवांटेज है कि उस पर्टिकुलर एरिया को जब मेरे को ज़रूरत है और मेरे को जाना है कहीं फैमिली के साथ में और गोइंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल, तो जस्ट सिंपली अपना ये पॉपअप कैंपर जो है स्लाइड इन किया और टाई डाउन किया, टर्न बकल्स हैं 4 और उनके साथ लॉक करने के बाद एंड यू नो गुड टू गो। आप अपना टूर करके आए और टूर करके इसको वापस हम जो है उसको ऑफलोड कर सकते हैं। इट यूजली टेक्स मैक्सिमम 10 minutes टू ऑफलोड इट, और उसको अगर लोड करना हो तो। इसमें हमने एक्चुअली साइड में जैक्स नहीं दिए हैं, लीनियर एक्चुएटर्स नहीं दिए हैं, रीज़न बीइंग क्लाइंट का अपना एक रिक्वायरमेंट था कि वो ही ऑल द टाइम ही जस्ट वांटेड टू कैरी दिस कैरवन, तो परमानेंट बेसिस पे था, तो दैट वाई हमने इसमें सिस्टम नहीं दिया। अदरवाइज इन दिस यू हैव गेट, आई मीन यू यूजली गेट 4 legs विच इज़ अगेन डिटैचेस दिस सिस्टम फ्रॉम द मेन बेड एरिया। It usually takes 5 to 10 minutes max, depending on how you know expert you are in offloading the from the truck. So to sum it up, हमने self-driven rental इसीलिए दिया है because 1, it is easy to drive जो छोटा vehicle है, and second reason जो इसका overall user interface है, it's not too bland or like it's not too different from using a normal vehicle, तो आप उसको easily कर सकते हैं। And you raise a good point that if you are afraid of committing, you want to build an asset but you are afraid of committing ki mujhe ye gaadi suit karegi ya nahi, and you already have that pickup truck, to aapke paas ek bahut acha option hai ki aap rent karke leke jaiye, you rent it for 15 days 20 days x number of days, aur aapko pata lag jayega ki ye asset aapke liye hai ya nahi hai. So you touched a very good point ki agar kisi ko commit nahi karna hai to wo initially try kar sakte hain is cheez ko. Actually hona hi yahi chahiye. अब कई क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास, अभी कुछ नहीं तो मोटा मोटी 15 projects अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो हर प्रोजेक्ट एक क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और यूजली मार्केट में इस टाइप का काम या पंगा कोई नहीं लेता। पीपल और बिल्डर्स और कन्वर्जन जो भी करते हैं, पीपल प्रेफर टू डू अ सिंगल कन्वर्जन कि हमने ये बनाया है मार्केट में, हमारे पास ये है और पैरामीटर्स हैं हमारे सेट, आप उसके अंदर आप बताएं तो हम बना के दे दें। वेर एज वी ट्राई एंड कस्टमाइज एंड ट्राई एंड फिट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको हम जो है मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को जो है कस्टमाइज करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूजली नॉर्मली जो मार्केट में जो ट्रेंड चलता है उससे टाइम ज़्यादा टेक लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, प्लस इट कॉस्ट मोर बिकॉज फैब्रिकेशन पार्ट में समटाइम फेलियर्स हैपन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट।
हमारे भी केसेस में हुए हैं, वी हैव फेल्ड इन मेनी ऑफ द केसेस, बट आई थिंक आवर डेडिकेशन लाइज इन द पॉइंट कि आई रिमेंबर यू मैसेज मी, यू लाइक पिंग मी कि दिस इज समथिंग, एक पर्टिकुलर चीज़ थी, आई कैन रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट यू सेड कि लाइक नोबडी इज रेडी टू मेक दिस इन मार्केट, I am fed up and I am going to make it myself now. Hum kuch out. It's this about this pop-up ka ye jo hamara complete iska canopy tha. It's a good question. Ki jab humne isko banane ki koshish kari, to jo hamare regular ladke the, actually he is right now not in Delhi right now. Hometown gaya hua hai. So it was a challenge for us. कि हम इसको मार्केट से करें, तो आई फाउंड इट क्वाइट अमेजिंग, आई वुड से अमेज, कि फर्स्ट पीपल सिंपली से कि साहब ये काम हम नहीं कर सकते, हम अपने उसके अंदर में नहीं कर सकते, बिकॉज इट वॉज समटाइम इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक एक कंपनी है नोएडा बेस्ड में हु बिल्ड्स टेंट, आई एम नॉट एड्रेसिंग एनी नेम ऑल्सो, तो वी अप्रोच them, so I asked them ki whether you'll be able to customize this for us, though you are already into this business, so probably it'll be in a more easier thing for you to do it. So the answer was ki hum log jo hai ye kaam nahi karke denge, aap ya to ye banwa lo ya to ye, like it's sampling setup everywhere, ye hum aapko bana ke nahi de sakte, in fact I said I'll pay a good handsome amount on if you can get one of these made for us. So finally, अपनी ही factory में हमने ये pop-up का इसका complete canopy customized, और ये तीन layer का, it was again a challenge. Again it was a challenge for us. और ये भी तीन बार में जाके बना है, दो failure हुए हैं, third में जाके उसमें कपड़ा और जो नुकसान था वो तो है. Finally we got the final product. तो एक ये था, देन दी 270 डिग्री ऑनिंग तो हमने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, न्यूक में हमने ऑलरेडी बनाया ही था, एनेक्स रूम भी हमने बनाया था, बट इसमें हमने कुछ और इसको इम्प्रोवाइज़ किया है. सो एवरी टाइम द कॉन्सेप्ट इज सेम, बट उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, जो हमने पीछे हमने कुछ गलतियाँ की होती हैं, तो उस गलतियों को हम सुधार के उसको और बेटर उसमें फेस में लेके आते हैं. तो इट वॉज अनगे ना a challenging part for us creating this thing. It was fun. Okay, so the next question that we have is ki jo humne isse pehle pickup concept mein caravan banaya tha, which is a bolero based caravan, aur jo humne abhi Isuzu four wheel drive pe slide in wala concept banaya hai, what is the difference in both of these concepts, both the like the technology as well as jo features humne kuch different diye ho Vagabond mein. See, technology is almost same, but features and the jo uska parameters hain wo dono ke different hain, because slide in is basically you're using the vehicle's existing bed area, aur us bed area mein you're just simply sliding your home. Isme kya aap kuch bhi aisa major change nahi kar rahe ho कि आपने बेड एरिया हटाया और उसके बाद आप उसको फ्लैट कर रहे हो, वेर एज इन बोलेरो इट वॉज इन अ कम्प्लीट फ्लैट बेड, और फ्लैट बेड के साथ में उसका एक और चैलेंज था, उसमें हमने उसको टग इन किया था, अगर आप उसको चाहो तो उसको डिटैच कर सकते हैं. दो तीन फीचर्स हैं जो विच आर विजिबल, एक तो ये कि इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप ऑफ बीट लोकेशन में जा रहे हैं और ट्विग्स या बुशेस के बीच में से हैं, वेर यू डोंट हैव अ मच ऑफ अ क्लियरेंस, ओवरऑल हाइट में नहीं है, दिस गिव्स यू ना एडवांटेज, अपर हैंड देता है इसमें कि आप उन जगहों से आराम से इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं. और जहाँ इंग्रेडिएंट आ जाता है, मान लीजिए कि अगर गाड़ी का लेवल ज़्यादा, अगर यू नो लेवलिंग प्रॉपर नहीं है, तो उसको ये ज़्यादा अच्छे से मैनूवर कर पाएगा, बिकॉज जो गाड़ी का मोमेंट रहेगा, क्योंकि गाड़ी का लो फ्लोर है, हाइट ज़्यादा नहीं है, तो यू विल बी एबल टू कवर दोज एरिया, वेर एज इन हार्ड टॉप शेल में चांसेस होते हैं कि ज़्यादा आपने गाड़ी को टिल किया तो प्रॉपर्ली वो टॉपल ना कर जाए.
इसमें बिकॉज इसका जो सेंटर विविक पॉइंट है इसका काफ़ी नीचे क्लोज में रहता है, प्लस गाड़ी की हाइट नहीं होती वाइल मूविंग. वंस व्हेन यू पार्क द व्हीकल देन यू हैव एन इनसाइड हाइट ऑलमोस्ट 7 feet. अदरवाइज जब वो गाड़ी मूव पे है तो इट्स ऑलमोस्ट 56 inches, 54 or 56, डिपेंड्स ऑन व्हीकल टू व्हीकल हेड क्लियरेंस. तो उसको हम लेके चलते हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन बोलेरो एंड वैगाबोंड सीरीज इज मोस्टली क्योंकि ये स्लाइड इन कंसेप्ट है, वो फ्लैट बेड कंसेप्ट है. एंड और कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंस जो दोनों टेक्नोलॉजीज या दोनों बीच? टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट देखो जो फीचर्स उसमें थे टाइम के हिसाब से हमने फीचर्स इसमें जो है उससे ज़्यादा अपग्रेड किए हैं. जो बोलेरो में नहीं थे उससे और एडवांस फीचर्स हमने इसमें दिए हैं. और इसके साथ साथ क्या है कि फ्लैट बेड में आपको एरिया ज़्यादा मिलता है बिकॉज यू हैव अ हेडरूम, प्लस विड्थ वाइज इसमें क्या है स्लाइड इन में साइड कॉर्नर्स आपके निकल जाते हैं, यू गेट लेस स्पेस. बट चैलेंजिंग पार्ट ये रहता है कि उस एरिया को भी आपको यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम ऑप्ट यूटिलाइजेशन लेनी है. तो उस चीज़ को देखते हुए इसके अपने चैलेंजेस हैं. उसमें आपको बाथरूम जो है वॉशरूम एरिया इज़ ऑफकोर्स स्लाइटली बिगर, बट इसी सेगमेंट में आपके पास छोटे एरिए में हमने आपको इसमें वॉशरूम भी दे दिया है पोटा पोटी. Plus you have the. But if we compare in comparison to Bolero, this has a lot more space because of the pop-up, na? The height-wise you have, width is almost the same, because जो width के parameters हैं हमें उसको ध्यान में रखते हुए बनाना होता है. कुछ गाड़ियों में हमने थोड़ा oversize भी किया है, जो दूसरे projects आ रहे हैं, नाम तो नहीं disclose कर सकता, but उनकी width इनसे थोड़ा ज़्यादा है. और अलग हैं वो भी गाड़ियाँ, अलग आ रही हैं कुछ उनके चैलेंजेस अपने. ओके, सो आई थिंक आपने जो एक चेंज नहीं बताया है टेक्नोलॉजी वाइज, विच आई थिंक इट्स अ न्यू फीचर जो हमने एडअप किया है, इट इज़ द सिटी वाटर इनलेट. सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन द वॉक थ्रू व्हाट सिटी वाटर इज, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू डू अ बेटर जॉब. तो व्हाट इज सिटी वाटर? सी व्हाट इट हैपेंस एट टाइम्स, यू नो यू आर कैरिंग अ डेड वेट, बेसिकली इट्स अ डेड वेट. उसके अंदर में आप जब एक फ्रेश वाटर कैरी करते हैं तो यू हैव अन सर्टन पैरामीटर्स कि आप एक लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा बिकॉज इसका टैंक जो है इट इज़ ऑफ 170 liters. तो अ फैमिली ऑफ फोर इफ इट इज़ ट्रैवलिंग आई थिंक यू गोना एंड अप इन 3 to 4 days टाइम. आई मीन इफ़ यू यूज इज वाइजली तो प्रॉब्ली for a 7 days max you can use it, because pota poti is not going to consume more depending on the kind of terrain you are going traveling. If it is a hot weather area probably you may take 2 showers a day, and number of occupancy, how many occupancies you have, plus aapka pani ka khane ka pani aur plus aapko cooking ke liye jo pani chahiye, that's a part. But कई बार ऐसा होता है कि यू आर एट दी लोकेशन जहाँ पे आपको टैप वाटर, जो सिटी वाटर है, जो हम जैसे बोलते हैं दिल्ली में MCD का पानी आता है हमारे को, वो डायरेक्ट मिलता है. तो लोकेशंस में, पहाड़ों में भी ऐसा होता है, बहुत सी ऐसी लोकेशंस में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे टैप वाटर मिलता है और इट कम्स विद अ वेरी गुड प्रेशर. उसमें करना क्या होता था कि हम लोग पहले पानी अपना पाइप लगाया, लेके हम अपना टैंक भरते थे. टैंक भर लिया, अच्छा अब क्या करना है कि अब हमें पानी यूज़ करना है, तो व्हाट वी डू, वी टर्न ऑन दी मोटर. सो उसमें क्या है, हमारा कंजम्पशन जा रहा है नॉट ऑफ दी वाटर बट ऑफ योर पंप, वाटर पंप, सेल्फ प्राइमिंग पंप जो होता है, दैट अगेन इट कंज्यूम्स दी पावर, DC पावर. एंड अगेन यू हैव अ लिमिटेड सोर्स, इधर यू आर गेटिंग इट थ्रू दी आउटसोर्स पावर सप्लाई, इट्स गुड. इफ नॉट देन यू हैव दी सोलर बैटरीज, सोलर चार्जर से. अब तो खैर लिथियम आयन एंड लिथियम फॉस्फेट जो है बैटरीज वगैरह आ गई हैं. और फोर्थ ऑप्शन इज दैट यू रन दी इंजन टू चार्ज दी बैटरीज. तो दैट बेसिकली सेव्स यू फ्रॉम दिस ऑल ट्रबल. सिटी वाटर से लिया, आपका एक टर्न ऑफ सिस्टम है, आपने जो मेन टैंक से जो पानी मोटर से पंप इन होके आता है उसको आपने ऑफ कर दिया, and you bypass that city water to the main pipeline, shower area mein, wash basin mein,
सिंक में, आपके इन तीनों चीज़ों में वो पानी डायरेक्टली आना चालू हो जाता है एंड इट गोज वाया योर हॉट वाटर ऑल्सो. तो दैट सेव्स यू फ्रॉम एक्स्ट्रा यू नो बर्निंग ऑफ योर बैटरी. So the next question is, ये मैंने encounter, like I have answered this question, I've tried to explain it, कि जो turnbuckle और tie down system है वो इसमें क्यों है और bolero जो है flat bed है उसमें हमने नहीं दिया था. तो फिर भी like people are still curious कि ये क्या concept है, यहाँ पे तो लोगों को नहीं पता. तो I think you are going to do a better job of explaining कि what is the purpose of this. देखो bolero में क्या करा था हमने, टाई डाउन जो था वो दूसरे तरीके से दिया था. व्हाट वी डिड, फर्स्ट वी मेड दी बेस और उस बेस के अंदर में हमने टाई डाउन करने के लिए एक पिन दिए थे हमने चार, और उन पिनों को लॉक करने, सिक्योर करने के लिए साइड से हमने पिन देके उसको लॉक किया था. सेम पर्पस इस गाड़ी में भी है, विदाउट टचिंग दी बॉडी दी बेड एरिया. यू नो इस गाड़ी में हमने कोई ऐसा छेड़खानी नहीं कराया है. इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू सिंपली रिमूव दिस व्हीकल, यू अनटाई दिस सिस्टम, टर्न बकल्स को अनटाई करें, एंटी क्लॉक वाइज आप करेंगे तो ये लूज हो जाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ अ क्रेन और विद द हेल्प ऑफ अ जैक यू जस्ट सिंपली रिमूव द इंटायर सिस्टम. तो जो इसमें टाई डाउन है, जो मेन पेक्स नीचे दिए हुए हैं इसके, दीज आर बेसिकली अटैच विद योर मेन चेसी फ्रेम. तो दैट गिव्स यू द फर्म ग्रिप ऑफ टू होल्ड द स्लॉट. जो इसका नीचे का एरिया है वो हमने स्टील 3mm SS304 का यूज़ किया हुआ है, बेस वाटर कोटेड. तो दैट इंसर्ट्स और उसको हम सिक्योर करते हैं, लॉक करते हैं बोल्ट डाल के. तो दैट इज़ बेसिकली द टाई डाउन, जहाँ पर ये वाला जो सी क्लैम्प है वो इसमें जाके फंसा हुआ है. तो इसमें जब ये चीज़ फंस जाती है और ऊपर वाला जो सिस्टम है आपका, जो कैंपर है, उसमें भी वैसा ही सिस्टम हमने लॉक करा हुआ है, पिन हो रखा है, पिन करके उसको फाइनली हमने सिक्योर करा हुआ, लॉक करा हुआ, उसको भी हम पक्का जो है वेल्ड कर देते हैं जिससे कि वो निकल ना पाए. एंड जो हुक्स हैं, जो आई हैं उसके, वो स्टील के बने हुए हैं, एंड ईच आई कैन टेक एन अ पेलोड ऑफ 2 टन बेसिकली, वेर एज हमारा ओवरऑल वेट जो इसका है वो 600 kg है. दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेट वेट, क्योंकि पूरा हमने अलॉय यूज़ किया है. तो वो इसको प्रॉपरली सिक्योर कर देता है, एंड रेस्ट ऑफ दिस एज यू कैन सी दी देर आर टू बोल्ट्स इन, तो आई वाले हैं, उसको आप क्लॉकवाइज जैसे आप टाइट करेंगे तो वो टाइट होता चला जाएगा, बिकॉज इन दोनों में अपोजिट साइड की चूड़ियाँ होती हैं. तो वेन यू डू इट clockwise, it locks, tight हो जाएगा, anti-clock करोगे तो वो लूज हो जाएगा. और ये not just only we, abroad भी यही system use करते हैं, and there are near about 5-6 systems, 5-6 ways to use and lock your camper. So this is basically to secure, or just securing process है, that he has explained. It's very easy. Easy and safe, tried and tested. Probably we are using it on very first time in this, but हम लोगों ने जो TV Today को जो गाड़ी दिया था आज तक, उसको दोनों sliders को हम secure करने के लिए हम लोगों ने यही turnbuckle वाला system use करते थे. But that was not visible to us. Not visible, and that was very small. 2 या 3 यूनिट लगाते थे हम उसको सिक्योर करने के लिए, जिससे कि वो लेके नहीं, इट्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी वे में कि कभी कोई ऐसा हादसा ना हो कि पता लगा वो निकल के भाग रहा है. इनफैक्ट एक बार हुआ भी था हमारे साथ, जो हमारी सबसे पहली हमने जो स्लाइड आउट बनाई थी, वो टेस्टिंग के ड्यूरेशन में स्लाइड आउट निकल के वो एक सर्टन लेवल तक बाहर आ गया था. तो एवरी पर्सन वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ. Anyway, it's again for security purpose. So, jo next question hai, that is on the same tangent of like, is it a necessity or not? So, the person is asking ki jo isme humne awning di hai, 270 degree awning with the annex room, do you think it is a necessity or not? Dekho, abhi peeche jab humne bolero banayi thi, bolero mein humne jo hai annex room aur awning nahi diya tha, but isme diya hai.
इट गिव्स यू एन एडवांटेज एज वेल एज अ प्रिविलेज कि यू हैव एन आउटसाइड रूम ऑल्सो. तो इट इज़ अप टू यू कि वेदर यू वॉन्ट टू अवेल दिस फैसिलिटी. एक आपको जो पिकअप ट्रक है कैंपर में एक लिमिटेड स्पेस है. यू डोंट हैव अ बिग स्पेस टू मूव अराउंड लाइक इन बिगर व्हीकल्स वी हैव, बट इन दिस व्हीकल यू डोंट हैव अ मच ऑफ स्पेस. तो इफ यू वॉन्ट टू हैव अ प्रिवेसी आउटसाइड प्रिवेसी यू कैन यूज एन एनेक्स एज वेल एज जो ऑनिंग है. दैट अगेन इट्स एन प्लस पॉइंट. व्हेन पर्सन स्लीप्स तो होता क्या है कि आपने पूरा कंप्लीट बंद करा हुआ था, कंडेंसेशन होती है. वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको जगह नहीं मिल पाती बाहर जाने की. तो वो ड्रॉपलेट्स जो है आपके ऊपर में और साइड में जो है वो कैविटी में वहीं ब्लॉक होकर रह जाते, निकल नहीं पाते. तो इट इज़ एडवाइजेबल दो वी हैव अ प्रोविजन टू वन कैन टेक अ शॉवर इन साइड ऑल्सो. वी हैव मेड द प्रोविजन वेयर एज वन कैन टेक अ शॉवर इन साइड ऑल्सो, हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ों के, जो आपको आने वाले टाइम में जो है और चीज़ों का पता लगेगा. इसमें उस कंडेंसेशन से बचने के लिए और जो बाद में उसके क्रूजन ना हो, नुकसान ना हो, तो आई वुड रेदर एडवाइज यू वन कैन टेक अ शॉवर आउटसाइड ऑल्सो और यू आर गुड एट एन इन साइड ऑल्सो. बट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट आफ्टर टेकिंग अ शॉवर, ये जो इसका कैनोपी है वो प्रॉपरली जो है उसका वो ड्राई करना आपको जरूरी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इन रिगार्ड्स विद द टाइम जो हमें लगा इस कन्वर्जन को बिल्ड करने में. हाउ मच टाइम वुड यू से कि इस एक जो पिकअप कन्वर्जन है उसे कंप्लीट करने में लगता है? इस गाड़ी में हमें जरूरत से ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज कई ऐसे चैलेंजेस थे और बिकॉज हम लोग वे पहली बार बना रहे थे. फ्रेम ऑफकोर्स एल्युमिनियम के साथ हमने पहले भी प्ले किया है टू मिनिमाइज द वेट, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स तो हमें पता थे. बट पॉपअप को साथ में साथ लेके चलना था और कई ऐसी चीज़ें थी इसमें जो हमें साइमल्टेनियसली सब चीज़ों का एडजस्ट करके लेके चलना था. आपने आई थिंक प्रॉब्ली यू माइट हैव एक्सप्लेन्ड इट एवरीथिंग इन द वीडियो. तो टाइम अमूमन इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बनाने में आई थिंक वी रिक्वायर 120 वर्किंग डेज, नॉट लेस देन दैट, बिकॉज हर चीज़ जो है वो हैंडक्राफ्टेड है. इट्स नॉट दैट कि आपके पास सब कुछ जो है रेडीली अवेलेबल है इन द मार्केट, यू जस्ट ब्रिंग इन एंड जस्ट स्टार्ट इन एंड गुड टू गो. सो नो सैम्पलिंग इंक्लूडेड विद मोटरहोम एडवेंचर्स. ऑल व्हाट वी डू बेसिकली इज टू कस्टमाइज इट, चाहे वो एक छोटी सी टेबल हो, चाहे वो एक बड़ा सोफ़ा हो, इट्स ऑल कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशंस. हर 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 चीज़ को यहाँ इसमें भी हमने अभी फाइबर की टेबल दी है. तो अगेन दैट वाज अ चैलेंज, एक छोटा चैलेंज था, बट वो ये कि अर्लियर वी यूज्ड टू गिव द वुडन टेबल एंड ऑल, तो दिस टाइम आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू गिव इन अ फाइबर. तो उसका पैटर्न, उसका डाई वगैरह बन के उसको फाइनली हमने वी मेड दैट. प्रॉब्ली आपने उसको शोकेस किया होगा उसका. So you're saying 120 working days is the time period जो एक conversion को, pickup conversion को करने में लगेगा हमें. All right. Next question is in regards with जो drive quality है vehicle की, without the shell and with the shell, क्या उसमें कोई change आएगा? देखो, गाड़ी का जो drive without drive weight है, गाड़ी विदाउट लोड पे जब चलती है उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं. यू कैन क्रूज एट 100, हम लोगों में भी चलाई है. इनफैक्ट आई ड्रोव एट एन स्पीड ऑफ 140 ऑल्सो विद द फैमिली, विच इज़ नॉट गुड. आई वोंट रिकमेंड कि कोई स्पीड में चलाए, जस्ट टू ट्राई एंड, बट एनीवे आई एम सॉरी फॉर दैट. गाड़ी को इसका जो कैरिंग पावर है, इट्स वेरी पावरफुल इंजन. और इसके साथ साथ अब तो नए जो वर्जन आ रहे हैं वो दीज आर मोर पावरफुल इंजन, प्लस हाइलक्स भी आ गया है अब तो उसमें और ज़्यादा पावर दिया है. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पावर एंड द वेट कैरिंग कैपेसिटी. एवरी कैरावैन हैज़ इज ओन प्रॉज एंड कॉन्स. ड्राइविंग विद द
wet weight of a pop-up camper. You can't cruise at an 140 or 120 or 100. आपको एक countryside को अगर आपने cover करना है with the family and all, तो आपको एक अपना parameter set करना पड़ेगा, which is the ideal driving condition, I would say, कि आप उसको enjoy करते हुए जाएं within the parameters, within the driving sense में. और of course, एक जब आप पीछे गाड़ी में डाले में डाला कहते हैं जो, उसमें अगर आप डेड वेट लेके चलेंगे, तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट एड ऑन जो वेट है उस गाड़ी को चलाने और इसमें आपको फर्क तो महसूस होगा. यस इट इज, इट इज. एंड ऑन द सेम टैंजेंट देयर इज अनदर क्वेश्चन, जो बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम एक, क्योंकि आपने बताया ड्राइव क्वालिटी डिफरेंट है, तो जो एक इसुज़ू को ड्राइव कर रहा है और जो एक इसुज़ू विद शेल ड्राइव कर रहा है, उनको थोड़ा फर्क लगेगा, तो क्या कोई ऐसे प्रिकॉशंस है जो उन्हें लेने चाहिए व्हेन दे आर फर्स्ट टाइमर्स इन दिस थिंग? सो ऑफ कोर्स वंस व्हेन यू आर पुटिंग अ डेड वेट ऑन योर बेड एरिया, तो गाड़ी के मैनूवर करते समय आपको लगेगा कि मेरे पीछे एक गाड़ी में लोड है. ऑफ कोर्स जब आप लोड डाल रहे हैं उसमें, तो दैट यू विल फील, बट गाड़ी के पिकअप में कोई फर्क नहीं. इनफैक्ट मैंने भी इसको टेस्ट ड्राइव किया था विद फुल्ली लोडेड, तो आई डोंट फील मच ऑफ अ डिफरेंस इन यू नो क्रूजिंग. बट क्रूजिंग में यह है कि यू कैन डू अ शेकी ड्राइव, रैश ड्राइविंग एंड ऑल. सो लाइक दैट इज ऑन द टेंजेंट ऑफ जो डिफरेंस आएगा, बट कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रिकॉशन यू वुड से कि आप अगर पहली बार चला रहे हो तो आपको ये करना चाहिए? देखो पॉटहोल्स आते हैं, इंडियन रोड्स आर सच गुड इन कि आपको जो है वो टेस्टिंग कहीं से भी करा देती हैं. तो स्पीड बम्प्स हैं, वंस व्हेन यू कैरिंग दिस बेबी यू हैव टू बी प्रिकॉशनरी यू नो मोर अटेंडेंट ऑन टूवर्ड्स ऑन ड्राइविंग योर व्हीकल, बिकॉज अप्लाइंग अ ब्रेक ऑन अ एम्प्टी व्हीकल एंड अप्लाइंग अ ब्रेक ऑन अ फुल्ली लोडेड व्हीकल, इट गिव्स यू अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड डिले इन. तो एक दो बार जब आप चलाएंगे तो दैट गिव यू ना एक्सपीरियंस ऑफ कि हाँ मेरे को थोड़ा जो है इस गाड़ी के साथ में किस डिस्टेंस पे कितने उस पे लेके उसको ब्रेक लेना है. ओके, सो आपके एक्सपीरियंस से ही आपको पता लगेगा. बट अगेन वन मेजर नो नो दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि कभी भी इस गाड़ी को पॉपअप खुले हुए में नहीं चलाना है. एंड उसका रीज़न इज टेक्निकली आप ही समझा दो. ये अभी हमने टेस्ट किया था, हमारे किसी लड़के ने पॉपअप खुले में वो गाड़ी को मूव कर दिया था, तो जो जैक्स थे वो जैक आउट हो गए थे एंड वी लॉस्ट वन ऑफ द साइड. तो ऐसा कभी भी मत करना. शॉर्टर डिस्टेंस है, फ्लैट एरिया है, इट्स ओके, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैन्यूवर द व्हीकल ऑन द यू नो ऑफ बीट लोकेशन या उसमें, और आप चाहें साइमल्टेनियसली उसको नीचे लेके उसको डाउन करना चाहें, इट्स नॉट एडवाइजेबल, नॉट एट ऑल. फ्लैट बेड एरिया में इंजन आप टर्न ऑन रखिए, बंद करते समय भी जब उसको आपको पॉपअप जो है उसको डाउन करना है तब भी, और आपने खोलना है तब भी. इंजन एंड द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड टू द मेन बैटरी बैंक, अदरवाइज वो उसको मिसमैच करेगा, उस वजह से ये आउट होने के चांसेस रहते हैं. एंड सिंक्रोनाइज करना एक अपने आप में इसका चैलेंज होता है, विच इज़ वेरी अ डिफ़िकल्ट पार्ट. सो आई वोंट रिकमेंड कि पॉपअप के टाइम में आप गाड़ी को मैनूवर करें या नॉट रिकमेंड, इट्स अ डेफिनेट नो नो, राइट? ओके, सो नाउ टू द फाइनल एंड वो क्वेश्चन जो सब जानने के लिए क्यूरियस है, व्हाट इज़ द प्राइस रेंज ऑफ दिस कन्वर्जन? विदुषी, हमने अभी पीछे बुलेरो जो बनाया था, आई थिंक वो दैट वाज द स्टार्टिंग प्राइस 14 लाख. वी मेंशन 15. 15 और 14? 14 इट वाज. यस 14, बट नाउ अगेन कंसीडरिंग द चेंजेस जो अभी आ गया है, लाइक एल्युमिनियम इटसेल्फ इट्स डिफरेंट, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव नाउ, आरएनडी इज देयर एंड ऑल. तो इस टाइप का पॉपअप अगर आपने बनाना है, आई थिंक gonna cost you a starting price would be of near about 16 lakh. 16 lakh rupees aap maan ke chaliye starting price hoga, aur depending on
what all add-on features you are looking at. On the basis of that, we can, you know, give you. So again, 16 lakh is the base price. It's not the price for this vehicle, because here we have many other things that we have added, no? Yes. So it's not the price of this as it exactly, but if you want to opt for a pickup conversion, jo customization ka base cost hai, that starts from 16 lakh onwards. See, there are a lot of challenges in it, especially on for the jack levelers, then this pop-up, awning and all. This does not include your annex and those are additionals. Again, like these are the additionals jo client chahte the ki wo apni vehicle mein lagwaye. But if you start with the very base model, jisme it's simply a slide in asset jahan pe we have amenities like sleeping, seating, kitchen, bathroom. Even the Cassidy AC is again an add-on feature. So like if you consider the base price, it's 16 lakh, right? All right, so that concludes this episode of The Man Behind the Making. Agar aapke aur koi bhi questions hai, please make sure to comment it down in the comment section, and I will put him to answer those questions if it's possible. Is there anything that you want to touch base on? I would request the audience and the market, come and explore the unseen beauty of India. Hire or pop top campers, or one can opt for a new their own camper on pickup truck. Okay, so we'll be making sure to link the details related to both building and renting these caravans for self-driven rental in the description box below. Now, are you ready for the sign off? Yeah. Okay, so thank you so much for coming by. And make sure to subscribe to our channel so that you do not miss another session with the man behind the making or another walkthrough. We will soon be coming with many more crazy customizations. And on that note, Motorhome Adventures, signing off.